दोस्तों नमस्कार, टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे कस्टमर्स के बारे में। दोस्तों एक नए कस्टमर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। यदि आपके पास में 100 प्रोस्पेक्ट हैं, आप 100 प्रोस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको 5 कस्टमर आपके बन सकते हैं। यदि आपने ये 5 कस्टमर बना लिए तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन 5 कस्टमर्स को रिटेन करना और इन कस्टमर्स से और बिजनेस जनरेट करना। दोस्तों 60-70% एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके नए प्रोडक्ट को और किसी और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज 65%, यानी ये आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर 65% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपसे नया प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो अपने प्रोडक्ट पर या आपके साथ 30% और कॉस्टली प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड दे आर सेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने बनाए हुए कस्टमर को रिटेन करना। दोस्तों जब आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी सेल करते हैं और आप यदि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं रहता तो दो बात हो सकती है, या तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है या कस्टमर किसी और एडवाइजर के पास या किसी और कंपनी के पास जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहा है कि यदि आप अपने कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं तो कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट रखना, उसको प्रॉपरली गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज पर मार्केटिंग स्टडी, यदि आप अपने कस्टमर को एक साल में 21 टाइम्स 21 बार कनेक्ट हो रहे हैं बाय वे ऑफ फोन कॉल और पर्सनल प्रेजेंस और मीटिंग और एनी अदर थिंग, जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और सोशल मीडिया या कोई व्हाट्सएप मैसेज या इस तरह से, यदि आप कनेक्ट रह रहे हैं 21 टाइम्स इन अ ईयर तो वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहता है। यदि आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं रहते और आप मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने के बाद एक साल बाद उसको रिन्यूअल पर कॉन्टैक्ट करते हैं या उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो वो कस्टमर आपके साथ बंधा नहीं रह सकता। वो या तो अपनी पॉलिसी को लैप्स करेगा या पॉलिसी को किसी और कंपनी में ट्रांसफर करेगा या किसी और एडवाइजर के पास जाएगा। दोस्तों आज के इस दौरान बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों का जॉब चला गया है या बिजनेस में लॉस हुए हैं ड्यू टू कोरोना, वो अपनी पॉलिसी को भर नहीं पाए हैं। दो आप कनेक्टेड हैं उनके साथ लेकिन वो अब किसी कारण से अपना प्रीमियम नहीं भर पाए और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। तो दोस्तों यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं और आप उन्हें बताएंगे कि आपका ग्रेस पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है और आप अपने पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं तो ये आपके कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि 1 अप्रैल 2021 के बाद यदि कोई पॉलिसी लैप्स हुई है तो ऐसी पॉलिसी को ग्रेस पीरियड का एक्सटेंशन दिया गया है, पर्टिकुलरली 3 प्रोडक्ट्स में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडिक्लासिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। यदि आपके कोई कस्टमर लैप्स हैं तो आप उनसे बात करके उनकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने किसी कस्टमर को कंटिन्यूटी दी है जिसने कई साल प्रीमियम भरा है तो वो आपके लिए आपको कितना दुआएं देगा, कितना आपके लिए मतलब एक प्लस पॉइंट होगा और आपके लिए वो एक रेफरल सोर्स बन सकता है। दोस्तों कस्टमर नया बनाने से जितनी एनर्जी लगती है, जितना समय लगता है, उससे कम समय में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं और उनसे और ज़्यादा सेल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रेस पीरियड एक्सटेंशन है जिसे OTR कहा जाता है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसे अपने कस्टमर्स को जिनकी पॉलिसी लैप्स है 1-2021 के बाद, तो आप उन्हें बात करके उनको पॉलिसी को रिन्यू करवाइए और इस वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ लीजिए। आपको
इसका बहुत फायदा मिलेगा और आप अपने उस कस्टमर से बहुत सारे रेफरेंसेस जनरेट करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।